नमस्कार दोस्तों, टारगेट है सभी के एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ICMR के द्वारा एक और भर्ती विज्ञापन आ चुका है। इसमें भारत के सभी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, सेंटर गवर्नमेंट के जॉब रहने वाली, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको इसमें पोस्टिंग दी जाएगी। प्रोजेक्ट बेसिस पे दोस्तों ये भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल भी में जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन का PDF और एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो पाएंगे और इजी तरीके से दोस्तों ये नोटिफिकेशन का PDF और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी न्यू दिल्ली से भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है और भारत के सभी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 24/8/2023 को भर्ती विज्ञापन जारी हुआ था और इसमें हम देख लेते हैं दोस्तों पोस्ट कौन कौन से हैं। तो पहला जो पोस्ट है इसमें जूनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए रहने वाला है। नंबर ऑफ पोस्ट एक शामिल है। 67,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। आपके पास क्वालिफिकेशन में MBBS डिग्री कम्प्लीट होना चाहिए। और दोस्तों भर्ती विज्ञापन प्रोजेक्ट बेसिस पे है तो आपको 1 ईयर के लिए इसमें पोस्टिंग दी जाएगी। 35 ईयर इसमें एज लिमिट दिया गया है और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पर्सनल डिस्कशन, इंटरव्यू या रिटेन टेस्ट के माध्यम से होगा। इसके लिए आपको समय बताया जा रहा है। आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 10 से आपको रिपोर्टिंग करना होगा और डेट देख सकते हैं 11/9/2023 को आपका वहाँ पर इंटरव्यू होगा। और आपका जो इंटरव्यू है दोस्तों वो चंडीगढ़ में होगा, स्टेट TV सेल चंडीगढ़ में। वो एड्रेस मैं आपको आगे बता दूंगा। हम नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं तो फील्ड असिस्टेंट प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट फर्स्ट के लिए है। नंबर ऑफ पोस्ट एक शामिल है। 18,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी, प्लस आपको इसमें HRA भी दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन में दोस्तों आपके पास डिप्लोमा कम्प्लीट होना चाहिए, हेल्थ असिस्टेंट या MLT, या फिर आपके पास DMLT कोर्स कम्प्लीट है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और जिन कैंडिडेट के पास 12th पास और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड या सब्जेक्ट में तो भी इसमें आप आवेदन कर पाएंगे। और 28 ईयर्स इसमें एज लिमिट दिया जा रहा है। और आपका जो इंटरव्यू है 11/9/2023 को आपका इंटरव्यू होगा, सुबह 10 बजे आपको रिपोर्टिंग करना होगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो अगला जो पोस्ट है वो हेल्थ असिस्टेंट के लिए रहने वाला है। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 2 शामिल है। 18,000 रुपये सैलरी रहेगी, प्लस आपको इसमें HRA भी दिया जाएगा। और क्वालिफिकेशन सेम मांगा जा रहा है, आपके पास हेल्थ असिस्टेंट या MLT या फिर DMLT में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और 28 ईयर्स आपको इसमें एज लिमिट दिया जा रहा है। और हेल्थ असिस्टेंट का जो इंटरव्यू होगा वो 12/9/2023 को आपका इंटरव्यू होगा, सुबह 10 बजे आपको रिपोर्टिंग करना होगा चंडीगढ़ में दोस्तों आपका ये इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं तो एक्सरे टेक्नीशियन के लिए रहने वाला है। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें एक शामिल है। सैलरी दोस्तों आपको इसमें 20,000 प्लस HRA भी दिया जाएगा। आपके पास क्वालिफिकेशन में 12th पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, साथ में दोस्तों आपके पास 2 ईयर्स का डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी या रेडियोग्राफी में आपके पास ये डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है रिलेवेंट फील्ड में। और ये आपको वर्क के बारे भी में बताया गया है, आपको क्या वर्क करना है। आपको हैंडलिंग करना होगा एक्सरे मशीन को, और अच्छे से आप देख लीजिएगा PDF डाउनलोड करने के बाद। और 30 ईयर्स दोस्तों आपको इसमें एज लिमिट दिया जा रहा है। इंटरव्यू की बात करें तो 12/9/2023 को आपका इंटरव्यू होगा। अब दोस्तों इसमें हम बात कर लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको डायरेक्टली इंटरव्यू में शामिल होना होगा, उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसी PDF पे मिल जाएगा। ये दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन होकर इसको इजी तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। इसको फिल करके दोस्तों आपको इंटरव्यू में शामिल होना होगा निर्धारित समय पर। आपको डेट और समय बता दिया गया है। एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर आपका ये इंटरव्यू होगा। और दोस्तों आपको इंटरव्यू में क्या क्या लेके जाना है वो भी आपको इसमें बताया गया है। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको ईमेल के द्वारा आपको अपना आवेदन जमा करना होगा। आपको बताया जा रहा है प्लीज़ अटैच सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट,
इन सिंगल पीडीएफ फाइल अलॉन्ग विद फिलेट एप्लीकेशन फॉर्म एंड ईमेल। दोस्तों आपको ये ईमेल आईडी बताया जा रहा है, इस ईमेल आईडी पे आपको अपना आवेदन सेंड करना होगा। ये दो ईमेल आईडी दिया जा रहा है, किसी भी ईमेल आईडी में आपको अपना आवेदन सेंड करना होगा। और आपका जो इंटरव्यू होगा वो चंडीगढ़ में होगा, इसके लिए आपको एड्रेस भी बताया गया है, देख सकते हैं, स्टेट टीवी सेल चंडीगढ़ GMSH। दोस्तों आपको GMSH सेक्टर 16 हॉस्पिटल में इंटरव्यू के लिए प्रेजेंट होना होगा। और डेट और टाइमिंग आपको बता दिया गया, अपने निर्धारित समय पे आपको इंटरव्यू के लिए वहाँ पे प्रेजेंट होना होगा। और ये नोटिफिकेशन का PDF और एप्लीकेशन फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसी तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।